गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है एंड मैं हूँ अपनी इस वैन के अंदर। वैन, वैनिटी वैन, जो भी बोलो, अब तो यही मेरा छोटा सा घर है। एंड यहाँ पर भाई रहते रहते अब तो आदत हो गई, अब तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर रहने में, कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। मस्त बाथरूम है यहाँ पर, एक किचन भी है, एंड सोने के लिए वो छोटा सा सोफा ही ठीक है मस्त। एंड यहाँ पर अपना शोरूम तो काफ़ी अच्छी तरीके से चल ही रहा है। लास्ट टाइम ही मैं बता दूँ गाइज हमने क्या प्रोग्रेस की थी। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोगों ने दो सुपर कार्स बेच दी अपने शोरूम की, जिसमें से एक थी बहुत ही तगड़ी वाली एस्टन मार्टिन, एंड एक और थी, एक और कौन सी थी, एक और थी भाई कोई महंगी सी। एंड दोनों भाई 10-10 करोड़ में बेची हम लोगों ने। एंड टोटल प्रॉफिट जो हुआ है मेरा वो हुआ है 20 करोड़ का। एंड इससे पहले फरारीज बेची थी हम लोगों ने काफ़ी सारी, एंड उनसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो लगभग हुआ था 10 करोड़ का। तो इस तरीके से भाई टोटल अभी मेरे पास 30 करोड़ आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा यार अपने घर को रीपर्चेज करने में। अभी जाके मैं अपने घर को वापस से खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 30 करोड़ आ चुके हैं यार। मैंने अपना घर 25 करोड़ में बेचा था, वो बंदा अगर ज़्यादा पैसे मांगता भी है तो मैं 30 करोड़ भी दे सकता हूँ। बट मेरे को भाई अब वो घर वापस से खुद का खरीदने में इंटरेस्ट चला गया, एंड शोरूम को ही इन्हेंस करने में, अपग्रेड करने में, तगड़े लेवल तक पहुँचाने में, साइमन से टक्कर लेने में, माइकल से टक्कर लेने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ चुका है। Yes guys, अब भाई मैंने सोच लिया है, घर तो हम लोग देखो भाई बाद में भी खरीद लेंगे, वैसे भी अपने को खास कुछ घर की जरूरत अभी इस वक्त है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो वैन है भाई इतनी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, एकदम मस्त। मुझे नहीं लगता घर की अभी मेरे को उतनी जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि घर में अपना कभी भी दोबारा रीपर्चेज नहीं करूंगा, मैं करूंगा जरूर, लेकिन जब मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो जाऊंगा तब। अभी तो मेरा प्राइम फोकस होने वाला है इस शोरूम को जितना फेमस हो सके उतना फेमस करना। एंड अपने दोस्त जैसे साइमन, तुम लोगों को पता ही होगा यार, जब भी हमें गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी या फिर कोई गाड़ी परचेज करनी होती थी, हम लोग हमेशा साइमन के पास दौड़े दौड़े जाते थे, या फिर कोई नई गाड़ी आती थी लॉस सैंटोस में तो भी साइमन के पास दौड़ के जाना पड़ता था, या फिर मान लो साइमन से भी इंतजाम नहीं हुआ था फिर माइकल के पास जाना पड़ता था। एंड हमारे दोस्तों में सबसे अमीर वो है भी माइकल, लेकिन अब मेरा टारगेट हो गया है कि उन दोनों से भी ज़्यादा फेमस मैं करूँ अपने शोरूम को, एंड उन दोनों से भी ज़्यादा रिच बनूँ भाई इस शोरूम के ज़रिए। तो ये है मेरा आइडिया भाई। ये शोरूम मैंने परचेज़ किया था माइकल को जलाने के लिए, बट अब मेरा मूड हो गया है कि इस शोरूम को मैं फुल एकदम फेमस करूंगा, एंड इसका ओनर हमेशा मैं रहूंगा। 30 करोड़ वैसे आ चुके हैं मेरे पास, मैं चाहूं तो अभी अपने घर को रीपर्चेज कर सकता हूं, बट मैं 29 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगेन अपने शोरूम में करूंगा, एंड इसको थोड़ा और बड़ा फेमस, इसको और तगड़ी तरीके से चलाऊंगा। तो ये मेरा अभी का फोकस रहने वाला है। फिलहाल लेमार देखो भाई लगा पड़ा है सुबह से गाड़ियों की, अबे हवा में कौन सी गाड़ी साफ कर रहा है बे तू, तो सुबह से लगा पड़ा है ये गाड़ियों की साफ सफाई करने में। फिलहाल अभी मेरे पास एक ही वर्कर है एंड वो है लेमार, इसके अलावा किसी वर्कर की खैर अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि उतनी भी बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है अपना शोरूम। बट धीरे धीरे करके भाई अल्टीमेट चलेगा ये, अल्टीमेट तुम लोग देखते जाओ बस। अभी मेरे पास कुछ कुछ ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं ना भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा रेयर है, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताऊं ये येलो वाली, ये येलो वाली बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये लॉस सैंटोस में काफ़ी कम शोरूम्स में ही देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा ये वाली, इसके एक बार व्हील्स देखो, दांतों की तरह नहीं लग रहे भाई, टीथ की तरह ऐसा स्ट्रक्चर है इनके व्हील्स का, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर कार है। तो ऐसी कुछ गाड़ियाँ जो हैं मेरे पास जो कि मुझे लग रहा है आराम से 12-15 करोड़ की भी बिक सकती हैं। खैर वेट करते हैं अब कस्टमर्स का। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था यार, ये चड्डी बनियान में फील नहीं आ रहा इतने बड़े शोरूम का मैं ओनर हूँ। एंड एक और चीज़, लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा कुछ पंगे हो गए थे भाई लॉस गैंग के, वो लोग आ गए थे अपने शोरूम पे अटैक करने के लिए, एंड उस चक्कर में शीशे वगैरह टूट गए, तो मेरे को ये शीशे भी लगवाने पड़ेंगे भाई। देख रहे हो तुम लोग कैसा अजीब लग रहा है भाई, काफी ज्यादा बेकार लग रहा है ये, बिना शीशों के आई नो काफी क्लियर दिख रहा है अब शोरूम, बट इधर शीशे ना होने की वजह से धूल आ सकती है, एंड काफी इजिली गाड़ियां भी चोरी हो सकती है, कोई बंदा आएगा नॉर्मली वॉक करके गाड़ी उठा ले जाएगा, क्या पता चल रहा है, इसीलिए आएगा शीशे लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक काम करते हैं ग्लासेस लगवाते हैं। फिलहाल ये मेरे शोरूम की एक रेयर कार, एक बार जरा ये देखो तो भाई कितनी ब्यूटीफुल है लुक वाइज, अगर देखा जाए साइड एंगल से देखो, टॉप एंगल से देखो, या फिर तुम लोग इसे भाई फ्रंट से देखो, हर एंगल से ये वाली गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है। खैर मैं अपनी शोरूम की गाड़ियाँ खुद ही चला रहा हूँ भाई,
अभी तक आया नहीं यार सुबह से कोई कस्टमर। ओह वेट, कस्टमर, यस कस्टमर आ चुका है हमारे आज का पहला कस्टमर। रुक जो, मैं अटेंड करता हूँ, इस गाड़ी को लगा देते हैं इधर साइड में वंस अगेन। हाँ वहीं लगा देता हूँ जहाँ से उठाई थी, यहाँ पे आराम से, बहुत ही बढ़िया। हेलो हेलो सर, वेलकम टू द गैलेक्सी शोरूम। क्या चाहिए आपको, सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, हमारे पास सारी तरीके की गाड़ी अवेलेबल है सर। जो भी गाड़ी आप बोलोगे हम लोग वो गाड़ी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। विंटेज कार का कलेक्शन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो भी हम लोग ला सकते हैं। SUV अगर आप बोलोगे वो भी मिल जाएगी। लिमोजिन चाहिए, इसका भी मैं आपके लिए इंतजाम कर सकता हूँ। तो बताओ सर कौन सी गाड़ी चाहिए। कोई सी भी गाड़ी नहीं चाहिए तो फिर क्या करने के लिए आया हो मेरे शोरूम के आगे, फिर सिगरेट काहे को फूंक रहे हो। निकलो यहाँ से, निकलो सर निकलो, शोरूम चाहिए। भाई ये बंदा पागल हो गया है भाई, ये पूरा शोरूम परचेज करने के लिए आया है सीरियसली में। अरे भाई पागल वागल तो नहीं हो गया। एंड इसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी पता नहीं क्यों लग रही है भाई। खैर जो भी हो भाई, शोरूम नहीं बेच रहा मैं नहीं बेच रहा ये शोरूम। 100 करोड़ भाई, ये बंदा 100 करोड़ ऑफर कर रहा है। काफी डील तो अच्छी है यार, 100 करोड़ शोरूम के लिए। कहाँ 25 करोड़ में खरीदा था मैंने ये शोरूम, ऑफर तो बढ़िया है यार। नहीं नहीं लेकिन नहीं भाई, 2-3 दिन में ही 30 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया मैंने इस शोरूम से। नहीं 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 100 करोड़ में तो बिल्कुल नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, 100 करोड़ में मैं आपको ये शोरूम नहीं बेच पाऊंगा। आपको कोई गाड़ी चाहिए तो बता दो, हमारे पास सारी तरीके की गाड़ी है। अब बता दो गाड़ी चाहिए तो शोरूम तो नहीं बेच सकते। आई एम रियली वेरी सॉरी, 100 करोड़ में तो नहीं। गया ये बंदा, पता नहीं इस बंदे की शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी। खैर जो भी हो, 100 करोड़ वैसे डील अच्छी तो थी यार, 4 गुना प्राइस मिल रहा था जितने प्राइस में मैंने ये शोरूम खरीदा था उससे, 4 गुना प्राइस। बट ठीक है, उससे ज़्यादा तो हम लोग प्रॉफिट अर्न कर लेंगे भाई शोरूम से, बढ़िया चलता रहा तो। फिलहाल अभी तक सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया, एक आया था तो वो भी सीधा शोरूम परचेस करने के लिए आया था। अब कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने आ जाओ यार। सबसे पहले तो यार ये ग्लासेस लगवाने पड़ेंगे, काफ़ी अजीब लग रहा है ये बिना ग्लासेस के ये शोरूम, लगवाने पड़ेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार जो शीशे हैं वो थोड़े बुलेट प्रूफ एंड स्ट्रॉन्ग वाले शीशे लगवाऊँ, क्योंकि वो पिछले वाले देखे भाई गोलियाँ चली नहीं गई, टूट गए बिखर। अरे न्यू कस्टमर, हेलो सर, हेलो, वेलकम टू द गैलेक्सी शोरूम। सर कौन सी गाड़ी आपको परचेज करनी है। गाड़ी नहीं परचेज, अबे यार आज कौन से नमूने आ रहे हैं, किसी को शोरूम खरीदने हैं तो किसी को आपको क्या करना है, गाड़ी रिपेयर करवानी है। ओके सर, हमारे यहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ रिपेयर नहीं होती, स्पोर्ट्स कार, सुपर कार, ये सब रिपेयर होती है। विंटेज कार, हाँ विंटेज कार भी रिपेयर हो जाएगी, कहाँ है। ओके वो बढ़िया लग रही है तो। ओके लेट्स गो, ओहो नाइस विंटेज कार सर। ओहो इसका तो पूरा फ्रंट बुरी तरीके से, ओ नो इसका इधर का दरवाज़ा ख़त्म है भाई, इधर का तो दरवाज़ा ही नहीं है। एंड इसका ओके एक हेडलाइट भी गायब है आगे से, गाड़ी में से धुआं भी निकल रहा है भर भर के, वो भी इंजन में से। चल रही है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन में है ये गाड़ी, नहीं है। अबे ले भाई इस गाड़ी की तो सीरियसली में काफ़ी बुरी हालत है भाई, विंटेज कार है सर, आपने इसको संभाल के नहीं रखा क्या, 50 साल पुरानी गाड़ी है ये, लग नहीं रही भाई 50 साल पुरानी, संभाल के नहीं रखा क्या सर। ओके ओके हो जाता है फिर तो। ये भाई साहब कह रहे हैं कि संभाल के तो इन लोगों ने रखा था, लेकिन आज जब ये गाड़ी निकाली तो कोई तेज स्पीड में ट्रक वाला आया एंड इधर राइट साइड से पूरी ज़ोरदार टक्कर मारी एंड वो भाग गया, जिस वजह से इनकी गाड़ी का ये हाल हो गया है भाई। फिलहाल इनको तो एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन गाड़ी को तो कुछ ज़्यादा ही खरोची आ गई है। ठीक है सर मैं देखता हूँ, सबसे पहले तो इसको अपनी रिपेयरिंग वाली जगह पे लेकर जाना पड़ेगा। देखो भाई लेमार को भी गाड़ी अच्छी तरीके से रिपेयर करनी आती है एंड मुझे तो आती ही है, तो हम दोनों मिलकर आराम से इस विंटेज कार को रिपेयर कर देंगे एंड अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे ये कौन बंदे आ रहे हैं भाई बार बार शोरूम के आगे से। अरे आंटी जी निकलो ना यहाँ से। ओके इसको आगे लेकर चलते हैं गाड़ी को, तो आ गए भाई रिपेयरिंग वाली जगह पे लेके। अबे ये आंटी तो इधर ही अटक गई, अरे जाओ ना आंटी यहाँ से। अरे मानने को तैयार नहीं है, इधर इधर रास्ता है, भागो यहाँ से फटाफट, आम जाना है यहाँ पे दोबारा मैं बजा दूंगा। ओके कुछ और नए कस्टमर, हेलो सर वेलकम टू द गैलेक्सी शोरूम। क्या अबे कुछ नहीं खरीदना तुम्हें, ऐसे ही छोड़ो सर, इधर आ जाओ मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले गाइस इसके सारे पार्ट्स ओपन करते हैं, मतलब दरवाजे वगैरह डोर वगैरह ओपन करते हैं, बोनट। ओके तो ये है इंजन, ओ भाई साहब इंजन तो काफ़ी पुराने ज़माने का है यार, बट काफ़ी ग्रेट दिख रहा है इंजन तो, बट काफ़ी धुआं भी आ रहा है। एंड पीछे की तरफ ये क्या है, ओके स्पेयर व्हील है यहाँ पे, ओके गॉट इट। इसके अलावा उधर एक दरवाज़ा बचा है, ठीक है इंजन रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया तो ठीक है सर, नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा।
आप वैसे कितना खर्चा कर सकते हो इस गाड़ी के लिए? कितना भी, कोई लिमिट नहीं। आ रहा, वाह क्या बात है, काफ़ी बड़े कार लवर लगते हो आप। ठीक है, टेंशन मत करो, आपकी विंटेज कार फुल एंड फाइनल तरीके से रिपेयर हो जाएगी। आप टेंशन मत लो सर, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। आप एकदम बढ़िया जगह पर आए हो। इस गाड़ी को मैं ऐसा बना दूंगा आप पहचान भी नहीं पाओगे, इतनी बेहतरीन लुकिंग बना दूंगा मैं इस गाड़ी को। आप बिंदास जाओ यहाँ से, चिल करो, कल सुबह तक आ जाना। कल सुबह का टाइम दे दिया है, कुछ ज़्यादा कम टाइम नहीं है ये? जोश जोश में बोल तो दिया कल सुबह तक रिपेयर कर दूंगा, लेकिन हो जाएगा ना भाई ये रिपेयर? क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो काफ़ी पुराना मॉडल भी है, काफ़ी पुराना मॉडल भी है तो काफ़ी पुराना इंजन भी है, काफ़ी पुराना इंजन भी है तो काफ़ी पुराने इंजन के पार्ट्स भी होंगे, जो कि मिल पाना थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है लॉस सैंटोस में। बट आई विल ट्राई। एक काम करते हैं, ज़रा लेमार को बुलाते हैं, वो मेरे से भी एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा जानता है, उससे पूछते हैं गाड़ी के बारे में। ये है कहाँ लेमार? लेमार भाई, लेमार, अबे टीवी चमकाने में लगा पड़ा है। अबे टीवी छोड़ तू भाई, मेरी बात सुन, उधर एक विंटेज कार रिपेयर करने के लिए आई है भाई, उसे रिपेयर करना है, आजा। अबे इसे चमकाना छोड़, चल मेरे संग, आजा आजा क्विकली। अबे आ ना भाई, वो क्या कर रहा है अभी तक टीवी? अबे आ, अबे वो किधर गया? ये लेमार पागल हो गया है भाई, ये सीरियसली मैं आज पागल हो गया है। आ गया भाई, आ गया। ये देखिए, ये वाली गाड़ी भाई रिपेयर होने के लिए आई है, एंड इसका जो ओनर है वो कह रहा है कि कितना भी खर्चा हो करो तुम, लेकिन मेरी गाड़ी बस रिपेयर कर दो। तो लेमार भाई, हमें इसी गाड़ी को रिपेयर करना है। देख रहा है वैसे गाड़ी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, चारों तरफ से एक बार लुक तो देख गाड़ी का। ये पीछे की तरफ देख, स्पेयर व्हील है। खैर तू इंजन देख, इंजन में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बता क्या क्या कमी लग रही है, पूरा इंजन रिस्टोर करना पड़ेगा। अबे यार ये अलग ही कह रहा है भाई। ठीक है, तू कोशिश कर, तू कर, तू ट्राई कर। तो लेमार लग गया भाई काम पे, इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे तो नहीं लग रहा भाई, जिस हिसाब से उसमें से आवाज़ आ रही है कर कर के, एंड जिस हिसाब से धुआं निकल रहा है, ये रिपेयर हो पाएगा? पूरा इंजन ही आएगा, बदलना पड़ेगा, देखते हैं। अभी तो फिलहाल लेमार ही बताएगा। रात हो गई है भाई, लेमार लगा पड़ा है सुबह से ही, जब से गाड़ी मिली है उसके बाद से कोई कस्टमर आया ही नहीं भाई आज। आज ना ही कोई सुपर कार बिकी, ना कोई स्पोर्ट्स कार बिकी। खैर एक बार लेमार के पास चल के देख लेते हैं कहाँ तक इंजन का काम पहुँचा है उसने, एंड उसके बस की भी है कि नहीं, क्योंकि कल तो वो बंदा आने वाला है भाई अपनी गाड़ी लेने के लिए। कल का मैंने उसे बोल दिया है, कल तक नहीं हो पाया तो भाई क्या करूँगा मैं। लेमार भाई हुआ रिपेयर। अबे ओए लेमार, ओए इंजन के अंदर आग लगा दी तूने। अबे तू नीचे लगा पड़ा है, ऊपर भी देख ले। ओके गाइस, इसका इंजन फूंक दिया भाई इसने। ओ नो 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 नो, वो लाना पड़ेगा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा है मेरे शोरूम में? रखा तो होगा ही, अबे गाड़ियों का शोरूम में एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा है क्या? अबे यार एक सेकंड, इधर 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 मिलेगा, इधर, लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी चाहिए भाई। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जल्दी जल्दी। अबे लेमार भाई, इंजन में तूने आग लगा दी और तू ध्यान भी नहीं दे रहा है, और गलती से ये ब्लास्ट हो गई ना भाई गाड़ी, इसका ओनर नहीं छोड़ेगा भाई। बुझा बुझा भाई आग, प्लीज बुझा। अबे एक तो पहले तू उठ बे, लेमार के बच्चे लगा पड़ा है बेमतलब में, हो तेरे से कुछ है नहीं रहा। ओके कम ऑन, बुझ जा भाई, प्लीज 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 प्लीज, यस ओह बुझ गई भाई बुझ गई। अब उठ बे, उठ तू, उठ, लगा पड़ा सुबह से, कुछ हुआ भी इंजन में और बल्कि आग लगा दी तूने। अब खड़े हो गए, घूर क्या रहा है उसे, क्या करे अब, कुछ सोचा है? इंजन तो पूरा फूक गया भाई, अब वो इंजन किसी काम का नहीं रहा। पहले एटलीस्ट रिपेयर करने की हालत में था वो, बट इस लेमार की रिपेयरिंग के चक्कर में वो पूरा फूक गया, अब वो रिपेयर करने की हालत में भी नहीं है भाई, अब क्या करें? लेमार भाई कुछ सोचा है? एक काम हो सकता है गाइस, किसी ऐसी ही दूसरी गाड़ी का इंजन लगाया जा सकता है इस गाड़ी के अंदर, बट ये गाड़ी 50 साल पुरानी है एंड विंटेज कार है। अब विंटेज कार लॉस सैंटोस में एग्जैक्टली ऐसी ही किसे पता कहाँ मिलेगी? मुझे लगता है लॉस सैंटोस में एग्जैक्टली ऐसी ही विंटेज कार होगी। तुझे पता है कुछ लेमार? पता है तुझे? क्या पता है? अबे तो चुप क्यों है तू भाई? मैं बता रहा हूँ, मैंने एकदम बिल्कुल स्लो कछुए को रख लिया है, ये आप बता रहा है भाई एग्जैक्टली सेम ऐसी ही गाड़ी कैयो पेरिको के आइलैंड के एक बूढ़े से साइंटिस्ट के पास भी है ये चीज, ये लेमार अब बता रहा है, बताओ। खैर बता तो रहा है एटलीस्ट। तो लेमार कह रहा है गाइस एग्जैक्टली ऐसी ही गाड़ी थी भाई उस बूढ़े से साइंटिस्ट के पास, एंड किसी रीजन से उस गाड़ी में जंग लगनी शुरू हो गई है, एंड उसकी मेंटेनेंस नहीं करता था वो जो साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया, इस गाड़ी को वहीं फेंक दिया एंड छोड़ दिया उसने उसको रिपेयर विपेयर करवाना। तो उस गाड़ी की बॉडी में प्रॉब्लम थी, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस गाड़ी का इंजन अगर हम लोग लेकर आ सकते हैं तो इस गाड़ी में लग जाएगा, एंड ये गाड़ी फुल्ली रिपेयर हो जाएगी, पहले जैसी कंडीशन में आ जाएगी ये।
अगर ऐसा हो सकता है फिर तो मज़े आ जाएंगे भाई, लेकिन उसके लिए हमें पहले कैवे पैरी को जाना पड़ेगा। लैमार भाई तू अपने शोरूम का ध्यान रख, मतलब हमारे शोरूम का ध्यान रख, एंड मैं जा रहा हूँ कैवे पैरी को। पक्का भाई पक्का, वहाँ पे है ना भाई साइंटिस्टों के पास, मतलब एक साइंटिस्ट के पास ऐसी गाड़ी। ठीक है भाई निकल रहा हूँ मैं। चलो गाइस सबसे पहले यहाँ से एयरपोर्ट निकलते हैं, वहाँ से कोई प्लेन रेंट पे लेके एंड देन वहाँ से फिर कैवे पैरी को आइलैंड निकल लेंगे, क्योंकि प्लेन तो उड़ते हैं नहीं, फ्लाइट्स तो है नहीं वहाँ के लिए कोई, तो हमें कोई प्लेन रेंट पे ही लेके जाना पड़ेगा। चलो 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 क्विकली 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 क्विकली, चलो चलो भाई चलो चलो नाइस, बस मिल जाए वहाँ पर वो इंजन मज़ा आ जाएगा। तो ये है भाई अपना एयरपोर्ट, और ये क्या है, अरे वाह, अच्छा ये होटल के आगे ये पूरा मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर टाइप का बना रखा है, खैर उसे छोड़ो। तो एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं मैं, पहुंचा नहीं हूं मतलब पहुंचने वाला हूं मैं, एंड यहां से जल्दी से कैवे पैरी को निकलना है। अब कैवे पैरी को पे देखो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कैवे पैरी को पे घर वर तो है नहीं, ज़्यादा बंदे रहते नहीं है, वही एक आध बंदे जो लॉस एंटोस एंड नॉर्थ यांगटन से थक हार गए भाई वही कैवे पैरी को जाते हैं। वहाँ पर जो मोस्टली साइंटिस्ट रहते हैं एंड उनका भी एक इलाका है, बड़ा सा पूरा घर का कनेक्शन है, ऐसे काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं घर, एंड उधर ही मेनली वो साइंटिस्ट रहते हैं। तो हमें बस उधर ही जाना है, उधर बस पता करना है कि कौन सा साइंटिस्ट है भाई जिसके पास 50 साल पुरानी कोई विंटेज कार थी, एंड उससे पता करना है कि कहाँ पर थ्रो कर दिया उन्होंने अपनी विंटेज कार को, बस उसमें से इंजन निकाल के एंड आ जाएंगे हम लोग। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ ये अपनी गाड़ी के साथ, आराम से भाई लैंड कर जा, अरे पलटती जा रही है भाई। ओके तो अब चाहिए इधर क्या, एक प्लेन, एंड ये रहा एक स्टर्न प्लेन, सिंपली बैठते हैं इसके अंदर एंड इसे ले के चलते हैं कैवे पैरी को आइलैंड की तरफ। वैसे कैवे पैरी को आइलैंड की तरफ यार प्लेन सर्विसेज शुरू हो जाती लॉस सैंटोस से, बट उधर कोई बंदा ही नहीं रहता इतना, कोई आता जाता है नहीं, इसलिए कोई प्लेन वगैरह कोई रूट नहीं है। खैर मैं तो खुद का रूट बना लेता हूँ भाई, निकलते हैं कैवे पैरी को आइलैंड, जल्दी पहुँच जाएंगे, रात रात में ही पहुँचना है, रात रात में इंजन ढूंढना है एंड कल सुबह तक वापस आके भाई गाड़ी को पूरा रिपेयर करना है। चलो फिर जल्दी, वेलकम टू द कैवे पैरी को आइलैंड, एंड यहाँ पर हो गई है एक बहुत ही अच्छी सी, अबे आराम से अच्छी सी लैंडिंग, एंड इसे थोड़ा फास्ट लेकर चलते हैं। एक्चुअली मैं फास्ट नहीं, पीछे की तरफ कोई गाड़ी वाड़ी होगी वहाँ से एक गाड़ी उठाते हैं पहले तो, या फिर मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेके क्या जाने की ज़रूरत है, डायरेक्ट स्टंट प्लेन ही लेकर चलते हैं ना भाई। यस आई गेस गाइस यस सही आइडिया भाई, क्योंकि कोई बड़ा सा पैसेंजर प्लेन या प्राइवेट प्लेन तो लेके नहीं आया जिसको लैंड करने के लिए रनवे चाहिए, खाली सपाट ज़मीन भी मिल गई उस पर भी आराम से ये लैंड हो जाएगा, एंड हमें पता है ही कि कहाँ जाना है, तो फिर चलते हैं, देर किस बात की है। देखो हमें जाना है ये पूरी लाइट वाइट नहीं जल रही है भाई इधर के इलाके की तरफ, इधर नहीं थोड़ी सी और आगे, ये तो आई गेस आइलैंड है, कोई आइलैंड नहीं मतलब थोड़ा सा पानी वाला इलाका है, हाँ तो वो लाइट वाइट जल रही है भाई, इधर जाना था हमें, एंड ये नीचे की तरफ खाली सपाट ज़मीन दिख रही है, इधर ही लैंड कर देते हैं, स्टंट प्लेन है भाई आराम से कहीं भी लैंड हो जाते हैं। देखो कितनी प्यार से लैंड हो गया ये, देख लो कोई प्रॉब्लम हुई भाई इसे, तो यही तो फ़ायदा होता है इनका। बस अब रोकते हैं प्लेन से उतरते हैं एंड अंदर चलते हैं, पूछते हैं किस साइंटिस्ट की थी वो 50 साल पुरानी विंटेज कार, और अब भाई कैसी सन्नाटा बिल्कुल छा रखा है इधर, सुनो भाई ध्यान से तुम लोग, झींगुर वगैरह की आवाज़ आ रही है भाई, कीड़े मकोड़ों की। यहाँ मेरे को एक वैन भी है, यहाँ पर पीछे वाला दरवाज़ा ओपन होता है ना भाई, कौन सा वाला दरवाज़ा ओपन होता है, ये वाला, हाँ वो रहा वो बड़ा वाला दरवाज़ा, ओ ये री यही तो थी, नहीं ये नहीं थी, वो थोड़ी अलग है कि ऐसी, नहीं नहीं ये नहीं है गाइस, वो थोड़ी सी तो अलग है, एग्जैक्टली यही नहीं है, मतलब हाँ यहाँ पर डेफिनेटली साइंटिस्ट रहते हैं जो कि विंटेज कार के शौकीन होंगे, ये नहीं है, उसका जो फ्रंट है अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा हो वो ऐसे कर्व्ड अंदर की तरफ, वो थोड़ा और स्टाइलिश सा है उसका फ्रंट, तो ये नहीं है वो विंटेज कार, बट हाँ इस विंटेज कार को देख के ये पता चलता है कि यहाँ के साइंटिस्ट शौकीन तो हैं भाई विंटेज कार्स के। हेलो हेलो भाई कोई है यहाँ पे बंदा, हेलो भाई कोई है, ये छोटा सा घर है इसमें चलते हैं, हेलो भाई कोई है क्या, ओह यस हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, मैं फ़िलहाल उन वाले साइंटिस्ट की तलाश कर रहा हूँ जिनके पास एक विंटेज कार थी 50 साल पुरानी जो कि ख़राब हो गई एंड उन्होंने फेंक दी, उन साइंटिस्ट को जानते हो आप ही हो वो, अरे वाह सर मुझे आपकी गाड़ी की लोकेशन जानी है, मतलब आपने कहाँ थ्रो किया, उसका इंजन उसके अंदर है कि नहीं पहले तो ये बताओ, है ना भाई इंजन उसके अंदर है, ठीक है आपने उसको थ्रो कहाँ किया है, आगे की तरफ वो जो बीच जैसा इलाका है, थैंक यू सर थैंक यू लेट्स गो गाइस, भाई मिल गई लोकेशन, अरे वाह फिर तो रिपेयर हो जाएगी जल्द से जल्द गाइस, वहाँ तक चलते हैं।
एंड वहाँ से भाई वो लेकर आते हैं वापस। वापस क्या मतलब, इंजन लेकर वापस चलते हैं अपने शोरूम की तरफ एंड रिपेयर करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो क्विकली। मैं दूसरे रास्ते से आ गया इस बार बाहर। ओके कौन सा इलाका बताया उन्होंने, पता नहीं, बीच वाला कोई सा तो इलाका बोला है। चलते हैं ज़रा, आ गए बाहर एंड बीच वाला वो जो ऊपर से आई गेस जहाँ लाइट वाइट जल रही थी वही वाला इलाका होगा वो। चलो भाई चलो चलो क्विकली, एक बार बस वो इंजन मिल जाए, मैं बहुत तेज निकलने वाला हूँ लॉस सैंटोस। कौन सा था वो इलाका? अरे यार, एक तो कभी कभी ये कैयो पेरुको आइलैंड इतना छोटा लगता है एंड कभी कभी लगता है कि भाई ये कितना बड़ा आइलैंड है, बताओ, ऐसा सीन तो है इसके साथ। खैर वो इलाका पीछे की तरफ था आई गेस, वो रहा नीचे की तरफ। यस चलो चलो अपनी गाड़ी को इधर से ही लेकर चलते हैं एंड हियर वी गो। यहीं पर पड़ा होगा वो इंजन डेफिनेटली भाई। यस इधर काफ़ी सारी बेकार चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये देखो किसी पुरानी बोट ड्रम है भाई, इधर ही किसी वेयर हाउस में होगा वो इंजन। इधर एक बार देख लेते हैं भाई, एक इंजन पड़ा तो हुआ है यार, ये तो नहीं होगा शायद कि यही है, पता नहीं, यही है लग तो रहा है भाई, वैसा ही कुछ इंजन लग रहा है जैसा हम लोगों ने उस विंटेज कार में देखा था जो हमारे शोरूम पे रिपेयर होने के लिए आई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं है, पर रख लेते हैं, एक काम करते हैं ढूंढते हैं ज़रा कोई और मिल जाए। काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ भाई, मेरे को कोई इंजन नहीं मिला, यही मिला है। अब अपने पास लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं इसे ही उस गाड़ी का इंजन समझ के ले चलूँ, देखते हैं क्या होता है। रख लो भाई गाड़ी पे। मैं पर्सनली बताऊँ इंजन काफ़ी ह्यूज एंड भारी भरकम सा लग तो रहा है यार एंड काफ़ी पुराना भी फील हो रहा है ये। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो जब अपने गैराज पहुँचेंगे एंड जब लेमार इस इंजन को लगाएगा तब पता चलेगा कि सही इंजन लेकर आया हूँ कि नहीं। अभी क्विकली वापस से हमारे स्टंट प्लेन की तरफ चलते हैं, स्टंट प्लेन के ऊपर इस इंजन को रखेंगे एंड लॉस सैंटोस की तरफ निकल लेंगे। लेट्स गो। वो रहा अपना स्टंट प्लेन, बस 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 ओके एंड अभी इसको इंजन को रखते हैं प्लेन के ऊपर एंड देन टेक ऑफ। चलो भाई इंजन रख दिया है प्लेन के पीछे की तरफ, अभी टेक ऑफ के लिए रेडी, आराम से हो जाएगा टेक ऑफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिवर्स में लेना है इस प्लेन को एंड इस क्लिफ से ही टेक ऑफ हो जाएगा। आर यू रेडी फॉर द टेक ऑफ? हो गया, कितना ब्यूटीफुल टेक ऑफ। निकलते हैं अभी हम लोग लॉस सैंटोस की तरफ। यस गाइस मिलूंगा मैं तुम लोगों से डायरेक्टली अभी कल सुबह लॉस सैंटोस पहुंचने के बाद। सुबह के 6 बजे एंड एक पैसेंजर प्लेन उधर लैंड हो रहा है, उसके साथ साथ मैं भी इधर लैंड हो रहा हूँ भाई स्टंट प्लेन लेके। एंड सुबह के 6 बजे अभी जल्दी पहुँच गया मैं लॉस सैंटोस में, तो अब बस जल्दी से जल्दी शोरूम पहुँच जाऊँ एंड वहाँ पहुँच के भाई बस वो विंटेज कार रिपेयर हो जाए। क्या लगता है कितना हमें आस करना चाहिए उस विंटेज कार की रिपेयरिंग के लिए? आई गेस 10 करोड़ ठीक रहेगा यार, उस बंदे की वो विंटेज कार थी एंड उसने हमें बोला था कि भाई जितने भी लगे पैसे लगा दो बट मेरी विंटेज कार रिपेयर हो जानी चाहिए। अबे एक सेकेंड, इंजन तो उठाया ही नहीं, इंजन तो प्लेन के अंदर ही छोड़ दिया मैंने, गाड़ी भगाता हुआ जा रहा हूँ मैं शोरूम की तरफ, इंजन निकालते हैं पहले यहाँ से। हाँ तो मैं कह रहा था भाई आराम से वो बंदा 10 करोड़ तो देने ही वाला है इसके, तो चलते हैं एंड 10 करोड़ की आस करेंगे उसके सामने। लेट्स गो। मैंने ये तो सोच लिया आस कितने की करनी है, लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई वो गाड़ी रिपेयर भी होगी कि नहीं। फिलहाल लेमार यहाँ पर अभी तक यहीं पर है, शोरूम का ध्यान रखना है। लेमार भाई जो इंजन तूने बताया था मैं लेकर आ गया, मैं तो किसी भी एंगल से नहीं कर रहा है उससे ये, बट फिर भी कोशिश कर भाई तो रिपेयर करने की। ये देखो इसकी जो ग्रिल है मैं कह नहीं रहा था थोड़ी अलग है उस विंटेज कार से। लगा भाई लेमार लगा, लेमार ने गए इंजन लगा भी दिया यार। ये देखो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दे एंड बाकी ये विंडो वगैरह मैं रिपेयर कर देता हूँ एंड स्क्रैचेस वगैरह भी, फिर देखते हैं क्या होता है। एंड हियर वी गो गाइस, हेडलाइट भी लगा दिए, ठीक है भाई। इसके अलावा इंजन भी लगा दिया गया है, जो शीशे वगैरह टूट गए थे वो भी सब रिपेयर हो गया, पीछे के हो चाहे आगे के हो। इधर एक दरवाज़ा भी लगा दिया हम लोगों ने, दरवाजे का तो इंतज़ाम हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे दरवाजे अब भी कई गाड़ियों में आते हैं। तो सब कुछ हो गया है, बस चलाना बाकी रह गया है, चल अभी भी नहीं रही है ये। अबे पेट्रोल भाई, पेट्रोल वगैरह कुछ तो डाल इसमें, फ्यूल। ओके फ्यूल डाल दिया गया है, ओके ओके, ओ नाइस। वेट बट ये थोड़ी अजीब से क्यों बिहेव कर रही है ये गाड़ी, स्मूथ नहीं है भाई ये, इसके व्हील्स थोड़े अजीब से बिहेव कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई बट ओ नो, स्मूथ तो है बट थोड़े व्हील्स आगे वाले थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हैं। गाइस तुम लोग देख रहे हो ये व्हील्स, इसके व्हील्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। चल चल लेमार भाई थोड़ी व्हील्स की एडजस्टमेंट करते हैं एंड देन देखते हैं परफेक्टली ऑलराइट कंडीशन में आती है ये गाड़ी या फिर नहीं।
थोड़ी सी व्हील्स की अलाइनमेंट करने के बाद ये गाड़ी अब कितनी स्मूथ हो चुकी है तुम लोग खुद देख सकते हो भाई। देखो अभी व्हील्स ऊपर नीचे पता नहीं क्या बिहेव कर रहे थे टेढ़े मेढ़े, बट अभी देखो ये व्हील्स कितनी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं एंड गाड़ी भी एकदम आराम से चल रही है भाई। एंड ये जो नया इंजन लगाया गाड़ी के अंदर ये तो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन है। ओ भाई साहब 200 तक की आ रही है रफ्तार। एक सेकेंड टॉप स्पीड देखते हैं इसकी। ओके ओ भाई इंजन कितना पावरफुल साउंड कर रहा है भाई। इसका इंजन तो इम्प्रूव हो गया यार पहले से भी ज़्यादा। इसकी आवाज़ सुनना इंजन की भाई, तुम लोग एक बार सुनो भाई इंजन की आवाज़ देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है भाई। 10 करोड़ आराम से बनते हैं इस गाड़ी के चार्ज करना फुल एकदम। क्या ब्यूटीफुल तरीके से रिपेयर किया है, क्या मेहनत लगी इसका इंजन ढूंढने में एंड दरवाजे वगैरह भी भाई पूरी एकदम टिप टॉप कंडीशन में ला कर रख दिया इस गाड़ी को। 10 करोड़ तो आसानी से चार्ज कर सकता हूँ मैं। चलो भाई अब वेट करते हैं उस बंदे के आने का एंड देन उसे बताएंगे कि उसकी विंटेज कार फुल्ली रिपेयर हो चुकी है भाई एंड वो भी एकदम बढ़िया वर्किंग कंडीशन में। हेडलाइट वेडलाइट सब कुछ रिपेयर कर दिया हम लोगों ने। अब इंतज़ार है तो उस बंदे के आने का, देखते हैं कब आता है वो। भाई साहब बंदा अपनी गाड़ी देख के पागल सा ही हो गया है यार। कैसी कंडीशन में छोड़ के गया था ये गाड़ी एंड कैसी कंडीशन में हम लोगों ने इसे कर दिया है। सर इस गाड़ी को पूरा रिपेयर करने में एंड इसके इंजन को ढूंढने में, क्योंकि इंजन हमें दूसरा लगाना पड़ा है सर, ये सब करने में लगभग 10 करोड़ का खर्चा तो आया है। तो इसीलिए सर हम लोग इसके गाड़ी को फुल्ली रिपेयर करने के 10 करोड़ चार्ज करना चाहते हैं। फटाफट से 10 करोड़ दे दो एंड अपनी गाड़ी ले जाओ सर। हेलो सर 10 करोड़ प्लीज़। अरे ताली बाद में बजाते रहना, 10 करोड़ दो। ओके और 10 करोड़ आ गए तो अब मेरे पास टोटल 40 करोड़ हो गए। 20 करोड़ पिछली बार के, 10 करोड़ उससे पिछली बार के एंड 10 करोड़ आज के, टोटल 40 करोड़। एंड शोरूम अपना एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है। मज़ा आ रहा है भाई शोरूम के बिजनेस को रन करने में एंड देखते हैं आगे हम लोग और क्या क्या तरक्की करते हैं। बाकी सर गाड़ी ले जा सकते हो आप, बिल्कुल चिल करो। वैसे इतने दिनों से हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे भाई सिर्फ गाड़ियाँ बेच के, बट आज फर्स्ट टाइम 10 करोड़ अर्न किया है सिर्फ गाड़ी को रिपेयर करके, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट एक और अच्छी चीज़ करनी है एंड वो है इधर ग्लासेस लगाना भाई। अभी तक ग्लासेस नहीं लगाए, नेक्स्ट टाइम पक्का लगाने वाला हूँ इधर मैं ग्लासेस। बाकी आज की वीडियो बढ़िया लगी होगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।